हेलो गाइज, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं सक्सेस ड्रोन। आज के एक्सपेरिमेंट में हम ये करने वाले हैं क्या कि आज हम इनो के साथ, इससे पहले मैंने बहुत सारा रिएक्शन किया, तो आज हमने सोचा क्या कि इनो के साथ आज हम पेट्रोल का रिएक्शन करवा के देखें कि पेट्रोल के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इनो के साथ क्या होता है। सिंपली हमने देखा कि जब इनो का रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं, यानी कि जब हम पानी के साथ इनो को मिलाते हैं तो एक एसिडिक रिएक्शन होता है, लेकिन यदि हम पेट्रोल के साथ इनो को मिलाएं तो क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर पेट्रोल के साथ इनो को मिलाया जाए तो क्या रिएक्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सिंपली हम एक ग्लास लेंगे। अब उस ग्लास में थोड़ा सा पेट्रोल डाल लेंगे। मेरे पास एक बोतल में पेट्रोल पहले से रखा हुआ था, जैसा कि आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा होगा। हम उस ग्लास में पेट्रोल को पोर करेंगे, यानी पेट्रोल को डालेंगे। अब हम इनो लेंगे और उस इनो को हम इस पेट्रोल में मिलाएंगे। फिर देखते हैं क्या कि इनो के साथ क्या रिएक्शन करता है ये पेट्रोल। जैसा कि आपको पता है कि पानी के साथ इनो एसिडिक रिएक्शन करता है। ओ, ये क्या हो रहा है, इनो के साथ तो पेट्रोल रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, बल्कि एक लुगदी की तरह। जैसे लुगदी आप कभी दूध को फटते हुए देखें, यदि दूध में नींबू डाल दिया जाए तो दूध फट कर अलग हो जाता है, एक छेना की तरह अलग हो जाता है। जस्ट लाइक उसी प्रकार से दिख रहा है आपको, कैमरा में दिख रहा होगा कि दूध जैसे दूध फट के छेना की तरह हो जाता है, जस्ट लाइक वैसे ही इनो फट के जमा हो चुका है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे दूध जब फट जाता होगा, जस्ट लाइक वैसा ही होता है, जस्ट लाइक वैसा ही रिएक्शन हुआ है कि यदि हम ग्लास में मिला रहे हैं, देखिए इनो को, तो जैसे इनो फट जाता है, जैसे देखिए इनो फट चुका है, जैसे कि इनो एक लुगदी की तरह हो चुका है, यानी पेट्रोल के साथ रिएक्शन उसका ये हुआ कि ऐसा कोई एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बन पाया। जैसा कि हम लोग देखें कि वाटर के साथ एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, वैसा कोई एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बना, बिल्कुल जस्ट लाइक छेना की तरह, जैसे छेना होता है दूध फटने के बाद जो छेना निकलता है, जस्ट लाइक छेना की तरह एक रिएक्शन हुआ है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए छेना की तरह एक रिएक्शन हुआ, यानी कि ये थक्का की तरह जम गया, यानी पेट्रोल में ये एसिडिक रिएक्शन नहीं किया है बल्कि थक्के की तरह ये जम गया है हमारा। हम इसको छू देखते हैं क्या थोड़ा गर्म भी है क्या, तो थोड़ा ये गर्म नहीं है, बस ये थोड़ा सा चिपचिपा है, एक गोंद की तरह लठलट कर रहा है, यानी कि चिपचिप कर रहा है। तो अब हम इसके साथ रिएक्शन, हमने इस रिएक्शन में देखा कि यदि हम पेट्रोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं यदि इनो का, तो कोई रिएक्शन एसिडिक रिएक्शन नहीं होता बल्कि ये छेने के पानी की तरह फट जाता है। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अब हम इसके साथ, अब इस पानी में यानी पेट्रोल के साथ जो इनो था, अब हम उसमें आग लगा के देखेंगे। तो चलिए पहले आग लगा देते हैं। अब पेट्रोल से भरे हुए इने वाले ग्लास को हम डाल देते हैं ज़मीन पर। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल ज्वलनशील होता है, पेट्रोल में आग लगा तो उसके अंदर जो इनो है वो हरा वाला, देखते हैं हरा वाला इनो जल के क्या बनता है। तो देखिए आग लग चुकी है और आग की लपटें उठ रही है। अब हमको ये देखना है क्या वो जो इनो था, वो इनो जलने के बाद कैसा दिखता है, कैसे बनता है। जैसा कि आपको पता है यदि पानी में हम यदि इनो को मिलाते हैं तो हमें उस टाइप का सब्सटेंस नहीं मिलता, लेकिन हमने पेट्रोल में यदि इनो को मिलाया तो छेना के जैसे सब्सटेंस मिला, तो उसी छेने के जैसे सब्सटेंस को हमने जलाने के लिए पेट्रोल में आग लगाया। अब आग लगने के बाद देखते हैं कि वो तो आग बुझ चुकी है, अब देखते हैं वो वाला जो सब्सटेंस है, हरे कलर का जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, वो हरे कलर का सब्सटेंस में हम पुनः आग लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब वो आग नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा पेट्रोल तो जल के उड़ चुका है, बिल्कुल एक लगता है पापड़ की तरह बन चुका है, बिल्कुल पापड़ की तरह वो बन चुका है। बस देखिए दिखने में पापड़ की तरह बिल्कुल लग रहा है, छूने से हमको पता लग रहा है कि बिल्कुल पापड़ की तरह है। एक वहाँ रखा हुआ है, एक हाथ में लेके फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि एक बार कहीं हो सके आग लग जाए, एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं आग लगाने का, लेकिन इसमें आग नहीं लग रहा है। तो हम देखिए बिल्कुल पापड़ की तरह कुरकुर होकर टूट के, तो हम इसको फेंक दे रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।